लोन इसमें चल रहा है अभी जो पूरी बकरी पालन पे चल रही है बढ़िया स्कीम जो जी वो है भाई, मान लो NLM है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है जी, जिसमें आप 100 बकरी 5 बकरे से लेके 200 बकरी 300 400 और 500 बकरी तक आप जा सकते हो जी। ठीक है, 100 बकरी का मैं मोटा मोटा बताता हूँ 20 लाख रुपया बनेगा। अच्छा, जिसमें 50% सब्सिडी है, 10 लाख माफ है, मतलब आधा आधा माफ। बकरी पालन फेल हुआ है जी, उन्होंने 50-50 लाख 60-60 लाख बड़े शेडों में लगा दिया भाई जी, और शेड का आमदन नहीं होती भाई, आमदन देनी है बकरी ने। पूरे बंदे बीटल के पीछे पड़ जाते हैं, ये बर्बरी बहुत अच्छी है भाई जी, ठीक है। और ये देखो रॉकटकान में है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं, बढ़िया रहती है भाई, ये देखिए जी। और साथ में देसी मुर्गी फार्म किया हुआ है, क्योंकि इसकी 6 महीने बाद आमदनानी है भाई, उसकी डेली आमदनानी है जी। ये हम सेटिंग करके पूरा ट्रेनिंग उसको काउंसलिंग करके भाई, आप घर के साथ देंगे, कितनी जमीन है आपके पास, सब पूरा उसका प्रोग्राम बना के देते हैं। ट्रेनिंग होती है 30 सीटें होती है जी, उसमें हम उनका प्रमाण पत्र बना के देते हैं, जिसके बेस पे वो लोन वगैरह और अपना सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद भाई साहब, बड़ी खास वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि भाई ऐसी जानकारी जो बहुत कम आपको मिलेगी। मुझे अक्सर ही कमेंट आते हैं वीडियोस के है ना थ्रू, के सर कोई ऐसी वीडियो डालें जिससे हमें पता चल सके भाई कम खर्च में कैसे बकरी पालन में कामयाब हो, कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे ऊपर आज हम लाइव और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये वीडियो। और देखिए हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं ना, बेहद ख़ास हैं, क्योंकि सरकारी इम्प्लॉई हैं, पंजाब पुलिस में मुलाजिम हैं। तो भाई एकदम सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, काफ़ी तजुर्बा है भाई को। हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर सिंह जी बराड़। सिंह साहब क्या हालचाल, ठीक ठाक हो? सत श्री अकाल शर्मा जी, और बाबा फार्म पे जो भी बंदे जुड़े हैं अपने प्यार करने वाले, उनको भी राम राम, सलाम वालेकुम भाई जी, आपका स्वागत है अपने फार्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें अक्सर सवाल आते हैं कई भाइयों के, है ना, क्योंकि अभी क्रेज बहुत बढ़ चुका है ना बकरी पालन का जा रहा है बकरी जी पालन। तो हर भाई का यही सवाल है कि कम खर्च में कैसे कामयाब हो, कौन सी ब्रीड लें, क्या कुछ कैसे मतलब करना चाहिए भाई, हमें अच्छा मुनाफा बकरी पालन में मिले। सर हमारे भाइयों को गाइड करें थोड़ा। बाकी सबसे पहले तो काम सीख के करें जी, जी। और सस्ता कैसे करें जी, क्या सस्ता, कई बार ऐसे नहीं हम बुरी चीजें डाल दें, गंदी चीजें डाल दें सस्ते के चक्कर में जी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कम दाम में होती है। ठीक, और सबसे पहले जो आपने ब्रीड सिलेक्शन करना है, आपकी लोकल होनी चाहिए, आपका एनवायरमेंट वो साइन करती हो। ठीक है, ब्रीड सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं आम फार्मर, ठीक है, गलत बकरी ले लेते हैं, जहाँ बकरी से फ्रॉड हो जाता है। वो बकरी सही खरीदें, तंदुरुस्त खरीदें, सही उम्र की खरीदें, ठीक है। उसके बाद कम खर्चा कैसे पालना है, इनका गांव का अलग होता है, सिटी का अलग होता है जी सर। जैसे आप अभी बॉम्बे गए, वहाँ जो बकरे ले थे वो थे छतों के ऊपर, बिल्कुल टेरेस पे भी पाल रखे थे, ठीक है, बिल्कुल। गाँव में अलग सिस्टम होता है, क्योंकि गाँव में जमीन होती है, हरा चारा होता है, ठीक है। और सिटी में जो बंदे उन्हें करना है वो सब्जी मंडी में, जैसे अभी तरबूज आ रहा है, ठीक है, जैसे कद्दू आ रहे हैं, पहले गाजर आई थी, जो सब्जी सबसे सस्ती हो जाती है, लेकिन साफ सुथरी हो, गली सड़ी ना हो, जो कोई फ्रूट सस्ता हो जाता है वो डालें, ठीक है। और जो गांव में है वो सबसे अच्छा हरे चारे में है, नेपियर लगा सकते हैं, अलग अलग किस्में आई हैं, एक लूसन का आया हरे घास में, ठीक है। और जो 70% सूखा चारा चाहिए, ठीक है, राजस्थान में तो बहुत सस्ता पड़ता है वो, लेकिन पंजाब में जैसे मूंगफली का चारा हो गया सर्दी में, और गर्मी में ग्वार का जी, वो पूरे साल का भाई स्टॉक रखें, उससे बगैर बकरी हम, खास करके जो स्टॉल फीड पे है जी, जो हमारे पास 80-90 बंदे जो स्टॉल फीड वाले जुड़े हुए हैं चैनल पे, ठीक है, चलो ग्रेजिंग पे बाहर जाती हैं, लेकिन अभी पंजाब में तो ग्रेजिंग नहीं है, राजस्थान उधर है MP में, लेकिन हमारे पंजाब में तो स्टॉल फीड ही है अभी ज्यादा, ठीक है। सूखे चारे रखें, और भी बहुत कुछ है भाई इसमें सस्ता जो कर सर। एक चीज हमारे भाइयों को थोड़ा है ना, हम बताते जाएंगे चलती वीडियो में, है ना, धीरे धीरे क्लियर करते जाएं, ये थोड़ा क्लियर करें हमारे भाइयों को, भाई शेड जो बनता है ना, शेड के ऊपर भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कम में चलाना चाहिए, या ब्रीड पे करना चाहिए जी? जो ईंट पत्थर है इन्होंने हमको आमदन नहीं देनी है, जानवर ने आमदन, जो हम एनिमल डाल रखे हैं, ठीक है, लेकिन शेड वगैरह इतना भी सस्ता ना हो,
भाई नेरी 20 हाँ तूफान 20 किलोमीटर आपका पहले गिर जाए, बकरियां मर जाए, इतना भी नहीं सस्ता डालना आपका। बाढ़ से, तूफान से और आग वगैरह से और पानी जो बाढ़ आती है उनसे आपका शेड वगैरह अच्छा होना चाहिए जी। लेकिन ज्यादा जैसे महाराष्ट्र में क्यों बकरी पालन फेल हुआ है, उन्होंने 50-50 लाख 60-60 लाख बड़े शेडों में लगा दिया भाई जी, और शेड का आमदन नहीं होती भाई। आमदन देनी है बकरी ने, जो आप उसके बीच में लाइव स्टॉक डालते हैं उन्होंने आमदन देनी है, उन्होंने पैसा देना है। बिल्कुल दोस्तों, आप बकरी अच्छी लें, कम ले लें, 10 लेना है 5 बकरी ले लो, तंदुरुस्त लो और अच्छी बकरी लो। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट करते जाएं है ना, मैं सभी भाइयों का कमेंट भी पढ़ूंगा, कमेंट कर दें, कोई सवाल हो है ना उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अपना नाम और स्टेशन जरूर लिख दें कहाँ कहाँ से भाई देख रहे हैं। तो सर जैसे कि बकरी पालन में आज के समय में है ना बात करें तो कौन सी ब्रीड पे ज्यादा मुनाफा है, जैसे प्रचलित कौन सा चल रहा है इस टाइम? सबसे इंडिया की और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बकरी, सबसे अच्छी बकरी है बीटल जी, और पूरे संसार में आप जानती हैं बड़ी हाइट की। कारण क्या है इसकी? एक तो हाइट ज्यादा है सबसे जी, वजन बहुत गेन करती है जी, मेन बात है दूध की, दूध की। हाँ, अलग अलग अदर कंट्रियों से लाते हैं, अफ्रीकन बोर हो गया, वो हो गया, वो कामयाब नहीं है भाई जी। जो आम सादे फार्मर हैं, सिंपल फार्मर हैं, जिमींदार हैं या मजदूर वर्ग है, वो अपनी भारत की, अपने पंजाब की ब्रीड पे काम करें, बर्बरी में कर लें जी, जो यूपी वगैरह से भी मिल जाती है, और बीटल पंजाब की जो नस्ल है ये हर जगह सर्वाइव करती है भाई। दो फायदे इसमें मेन है ना, एक तो दूध का फायदा, दूध का क्या फायदा होता है, अगर कई बंदे दूध बेचेंगे क्या करेंगे, दूध पे बच्चा पलता है और बच्चा बहुत हेल्दी ग्रोथ और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आप दूसरी ब्रीड का देखोगे 6-7 माह का बकरा होगा, अपना बीटल का 2 महीने का बकरा होगा, क्योंकि दूध ही 3-4 लीटर आम बकरी के नीचे है भाई। बिल्कुल, और दूसरी मीट पर्पज के लिए भी अगर मीट भाई, वजन बहुत गेन करती है, ज्यादा बड़े जो खस्सी बकरों का रिकॉर्ड रहता है, जो चाहे पाकिस्तान में वो भी अपनी है, अमृतसरी बीटली है, क्योंकि अलग हुआ पार्टीशन के टाइम। अच्छा, जो पंजाबी बकरे सबसे अभी भाई एक नंबर पे हैं। बिल्कुल, तो सर हमारे उन भाइयों को भी थोड़ा सा है ना बता दें कि क्या बकरी पालन पे लोन वगैरह की सहूलत है? लोन भाई बहुत काफी टाइमों से चल रहा है, पहले भी बंदे आपके चैनल के थ्रू यहाँ आए ट्रेनिंग लेने, कई डर जाते हैं भाई बठिंडा जाएंगे वहाँ लूटना ले, वो ना वो काम नहीं है भाई, सरकारी जॉब पे हूँ मैं, ठीक है, आपने ये फार्म देखा हुआ है, लोकेशन सभी को पता हुआ है ना। और लोन इसमें चल रहा है अभी जो पूरी बकरी पालन पे चल रही है बड़ी का स्कीम जो जी, वो है भाई मान लो NLM है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, जिसमें आप 100 बकरी 5 बकरे से लेके 200 बकरी 300 400 और 500 बकरी तक आप जा सकते हो जी, ठीक है। 100 बकरी का मैं मोटा मोटा बताता हूँ 20 लाख रुपया बनेगा। अच्छा, जिसमें 50% सब्सिडी है, 10 लाख माफ है, मतलब आधा आधा माफ है, आधा माफ है। इसमें क्या फायदा हो जाएगा, उन्होंने कोई नगद नहीं देना, 10 लाख आप गाड़ी ले लो या घर डाल लो वो काम नहीं है, आपके जो शेड बनेगा, लेबर का रूम बनेगा, स्टोर बनेगा, खुरनी बनेगी, पानी वाली डिग्गी मिलेगी, सब बनेगा, वो मान लो फ्री में बन जाएगा। और 10 लाख आपने बकरी का देना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में किस्तों में देना, पहले साल कोई किस्त नहीं आती भाई उसकी। अच्छा सर, अक्सर देखा है कुछ भाई है ना जल्दी कर जाते हैं बकरी पालन करने में, और फार्म फेल हो भी जाते हैं है ना। अभी एक एक नंबर पे जुगनू भाई ये ट्रेंडिंग में है काम, एक नंबर पे, इसमें 100 बंदा शुरू करता है और 90 बंदे फेल होते हैं जी, वो यही कारण है देखा देखी। अभी मेरा और काम है, मेरे को वीडियो देख के बकरी पालन शुरू करोगे वो अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत हो जाता है, एक तो खरीदारी में फ्रॉड हो जाता है, बंदे को पता नहीं होता भाई बकरी कितने की है, कौन सी नस्ल की है, क्या डालना है घर पे, अगर अच्छी बकरी मिल गई घर पे लेके बेकार कर देते हैं और बीमार कर देते हैं, मार देते हैं, उनका डॉक्टरी नहीं पता होती भाई क्या दवाई लगानी है। जो हमारे जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं भैंस गाय और कुत्ते में वो फेमस होते हैं अपने गांव में, लेकिन बकरी का ट्रीटमेंट नहीं पता, वही वो भैंस वाली सुई लगा देते हैं, वही दवाई डाल देते हैं और बकरी मर जाती है जी। हाँ, तो और सर, सीख के नहीं काम करते, ट्रेनिंग लेके काम नहीं करते, जो मेन पॉइंट है कहते बकरी रखनी है क्या है यार रख लेते हैं, फिर वो फेल भी उतना खेती करती है जी। तो सर हमने सुना है कि आप मतलब हेल्प भी करते हैं हमारे भाइयों की, ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, कुछ ऐसा मतलब समझाएं हमारे भाइयों को, कुछ रखा है आपने ट्रेनिंग वगैरह? हमारे भाई फार्म पे ये ट्रेनिंग रखने का यही पर्पज है, एक तो जो व्यापारी जो लूट मार करते हैं, गलत जानवर देते हैं और मेडिसिन का दवाइयों का, हमारे हर महीने यहाँ ट्रेनिंग होती है। अच्छा जी। और पंजाब हरियाणा राजस्थान और अदर स्टेट से भी बंदे, अभी हिमाचल से भी आए हैं, राजस्थान बहुत आया है, हरियाणा के बंदे जी। अच्छा जी, तो राजस्थान के बंदे आए हैं,
यहाँ हर महीने ट्रेनिंग होती है, 30 सीटें होती हैं, उसमें हम उनका प्रमाण पत्र बना के देते हैं जिसके बेस पे वो लोन वगैरह और अपना सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है भाई, कोई का भी बंदा ले सकता है, उस पर स्कीम ले सकता है, वो सर्टिफिकेट देते हैं, पूरा रहने का प्रबंधन होता है, कोई डरने की जरूरत, अगर आपका बंदा वीडियो देख के आता है ठीक है, वो आएगा ट्रेन से दूर से, कई बार ट्रेन बठिंडा स्टेशन है, रात को 12 बजे उतार देगी, 2 बजे उतार देगी, या आपने एक दिन पहले आना है, आपको बठिंडा में एसी होटल मिलेगा, चाहे आप 12 बजे आओ 2 बजे रात के आओ, आपको कहीं स्टेशन पे रात काटने की जरूरत नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके आएंगे ठीक है, और यहाँ भी रहने का पूरा प्रबंध है, खाने पीने का पूरा प्रबंध है, और कई बार ट्रेन का टाइम नहीं होता, एक दिन लेट जाना है, उन्होंने ट्रेनिंग करके 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, एक दिन लेट जाना है वो भी हम इधर रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते जी। हाँ। तो चलते चलते दिखा देते हैं हमारे भाइयों को और बात भी करते चलेंगे सर से। तो सर अभी भी ट्रेनिंग चल रही है अपनी है ना? हाँ। तो बताते जाएं यहाँ सबसे पहले क्या यहाँ भोजन का प्रबंध था है ना? हाँ, अभी भोजन अभी लंच करके उठ गया है। हाँ। सभी सामान अपना घर का बनता है पूरा, आपको वीडियो में दिखाएंगे, ये देखिए जी यहाँ देखिए चेक करें, ये ट्रेनिंग चल रही है सर, बताएं जरा कहाँ कहाँ से भाई लोग आए हुए हैं यहाँ? ये सभी पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल से, 4 स्टेटों के ज्यादा आए हैं जी, बंदे अलग अलग हैं, ये देखिए इस बार ज्यादा सीट होगी, 30 सीट थी, 5-10 बंदे ज्यादा आ गए जी सर, फिर वो मौके पे लेने पड़ते हैं, जवाब नहीं दिया जाता। सर क्या कुछ कवर किया जाता है ट्रेनिंग में, जैसे है ना कौन कौन से सब्जेक्ट पे? ट्रेनिंग में मेन होती है खरीदारी के बारे में जी, मान लो बकरी कैसे खरीदना है, किस उम्र का खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, और उसको डालना क्या है, फीड वगैरह क्या देना है ठीक है, फीड में सस्ती कौन सी पड़ेगी, घर की फीड कैसे तैयार करना है, फार्मूला बताते हैं जी। उसके बाद उसका रख रखाव, शेड वगैरह कैसे डालना है, लोन कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे सब्सिडी मिलता है, वो बताते हैं जी। और उसके बाद आता है जो मेन आती है अपना बकरी पालन का ट्रीटमेंट जी, हम बकरी पालन का ट्रीटमेंट बताते हैं रसोई से ही, किचन से ही पूरा देसी इलाज बताते हैं जी। और अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो हम बताते हैं जो मेडिकल से कौन सा साल्ट लेना है, कोई दवाई लेनी है, कैसे बड़े नुकसान से हम बच सकते जी, हैं बिल्कुल। ये शेड डाला हुआ भाई ने पूरा प्रॉपर आपको सिखाते हैं शेड जी, इसमें उधर से आ जाओ आ जाए। तो डेट एक बार क्लियर कर दें, नेक्स्ट बैच की डेट क्या रहने वाली है? बंदे रह गए हैं भाई जी, वो 3 और 4 अगस्त को उसमें ट्रेनिंग में आ सकते हैं, उससे पहले आपको सीट बुक करवानी होगी जी। 3 और 4 अगस्त को ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। जैसे ये देखो, ये मेरा लेबर वाला रूम है और फार्म वाला, ये आप इसमें दरवाजा रखें, ये भी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं बंदे। अच्छा, अगर रात बरात को, रात को कोई नुकसान होता है, पेट में दर्द होता है, बंदा इधर से ही आ जाए, बिल्कुल पूरा बंद होता है ना, ठंड में बाहर नहीं निकलता लेबर वाला, तो इधर से आ जाए बिल्कुल। ये हाँ, ये अपना थोड़ा अभी इसका सेटिंग करने वाला है जी, ये सबसे पहले देखो कोई पक्खा नहीं है ऊपर जी, बिल्कुल फैन और नहीं लगा, कितनी गर्मी है पंजाब में, 47 डिग्री तापमान है, सभी बकरियां देखो आराम से बैठी हुई, बहुत ठंडा, ये भी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है भाई जी बिल्कुल। ये देखो यहाँ आओ कितनी हवा है, बहुत अच्छी हवा, ये देखिए वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा, दरवाजा और विंडो बरोबर रखा हुआ है सामने जी बिल्कुल। और ये मैंने 60-70 हजार में 70x20 का शेड डाला है, जो मान लो ऊपर डाली हुई छत, बहुत अच्छी, बहुत सस्ती है और ठंडी रहती है, ठंडी है बिल्कुल। और ये फार्मर कोई पैसे गए हैं, ये बांस भी फार्मर का है, कोई जो सीमेंट चादर जो बड़ा नहीं डाला मैंने, नहीं 3-4 लाख रुपया लग जाता छत छत पे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये खुरनी बनाने का डिजाइन रहता है हमारा, ये देखो आपको सभी चीज सिखाई जाएगी, पूरा सिखाएंगे, फार्म कैसे बचाना है, कैसे नस्ल सुधार करनी है, ब्रीडर कौन सा रखना है, कौन सी ब्रीड आपने, कई बार बंदे क्या होते हैं पूरे बंदे बीटल के पीछे पड़ जाते हैं, ये बर्बरी बहुत अच्छी है भाई जी बिल्कुल, ठीक है। और ये देखो रॉकटकान में है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं, बढ़िया रहती है भाई, ये देखिए जी। और साथ में देसी मुर्गी फार्म किया हुआ है, क्योंकि इसकी 6 महीने बाद आमदनानी है भाई, उसकी डेली आमदनानी है जी। ये हम सेटिंग करके पूरा ट्रेनिंग, उसको काउंसलिंग करके भाई आप घर के साथ देंगे, कितनी जमीन है आपके पास, सब पूरा उसका प्रोग्राम बना के देते हैं जी। और वो फेल नहीं होगा, ये मेरी 101% गारंटी है। कला हरा चारा सूखा चारा उसके घर में नहीं डाल सकता, ना फीड डाल सकता हूँ,
फोन पे बैठा पूरा गाइडेंस उनको करूंगा, ना बकरी मरेगी ना घाटा जाएगा, ना बेचने की मंडी पे जाने की उसको वो नहीं है, जरूरत नहीं है, उनका घर से माल बिकेगा, कोई भी स्टेट में कर लें, कोई भी स्टेट का आ जाए। सर कैसे सीट बुक करवा सकते हैं और फीस वगैरह थोड़ा समझा दें? जो हम कई ट्रेनिंग वाले बताते नहीं है फीस क्या, अभी फोन करो फिर बताएंगे, हमारा है पारदर्शी काम भाई एक नंबर का, ठीक है। इसका टोटल फीस है 4,500 रुपया जी। उसमें क्या कुछ इंक्लूड है? उसमें आपका रहने का खाने पीने का प्रमाण पत्र होता है जो, ठीक है, और पूरा ट्रेनिंग होता है बकरी का। और बाद में ये नहीं है ट्रेनिंग के बाद हम फोन नहीं उठाएंगे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें हम गाइडलाइन जो नई चीजें आती हैं वो भी डालते रहते हैं। मान लो सालों साल ट्रेनिंग चलती है हमारी जी। हाँ, और 4,500 रुपया खर्चा आएगा आपका टोटल, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और उसमें क्या बुकिंग कैसे करनी है, 500 रुपया और आधार कार्ड डाल के आपने बुकिंग करनी है जी भाई, ठीक है। कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं, कोई नहीं है, पूरा मेरे गांव के सभी जानते हैं, बकरी पालक पंजाब के भी बकरी पालक पूरा मेरे को जानते हैं भाई। बहुत अच्छा। हाँ। ट्रेनिंग लगने जा रही है जी 3 और 4 अगस्त 2024 को। और सीट होती है, सीट बुकिंग करवा लें, आपकी अदर स्टेट की होती है 10-12 सीटें होती है, उनका हिंदी में अलग बैच चलता है, और जो पंजाब के होते हैं वो पंजाबी में हम ट्रेनिंग देते हैं, हिंदी वालों को हिंदी में ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, और बेझिझक आ जाएं, कई बंदे डरते हैं, ये प्रॉब्लम आई है। हाँ। आने को डरते हैं भाई पंजाब में क्या होगा, कोई डर नहीं है भाई, खाना पीना पूरा मिलेगा, पूरी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी बिल्कुल, और डरने की कोई बात नहीं। हाँ। है। और दोस्तों आपका छोटा भाई जुगनू शर्मा भी हमेशा ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे, कोई भी हेल्प चाहिए हम भी आपके। हाँ, बाकी आप भाई जुगनू भाई गलत बंदों की वीडियो नहीं करते, मेरे को पता है, ठीक है, जो हमको तो सभी मंडी भी लगाते हैं, बाजार भी लगाते हैं जी, और सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो आया, आपके चैनल पे आया और भी आया, बिल्कुल हमारा बिल्कुल। एक नंबर काम है भाई बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं है, हम देनदार हैं भाई।